Hey guys and welcome back to my channel. So this is Afrin Sheikh and I'm back with a new vlog. आ गए क्या वो लोग? क्या? Okay, so we are going पहलवान शाह बाबा दरगाह और ये मुमरा में है पहाड़ पर. तो आसमा, मैं और हमारी पूरी फैमिली जा रही है, मतलब आसमा की फैमिली. मेरी फैमिली अभी इसमें नहीं है क्योंकि अम्मी को भी काम है घर में, तो इसलिए तो हम लोग अभी जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं और फिर मैं आगे का आप लोगों को बताते रहती हूँ धीरे धीरे. तो सवारी निकल चुकी है. अभी देखो ये जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा है एकदम फ्लैग वगैरह आई थिंक दिख रहा रहेगा, ये जो चोटी है ना, बस यहीं तक जाना है हम लोगों को, बस यहीं तक. बस यहीं तक. और उसके पहले देखना कितना लंबा रास्ता है. एक्चुअली अभी तो स्टेयर्स वगैरह बन गई है, सो लेट्स सी. अभी मज़ा आने वाली है, बहुत टाइम बाद हम लोग जा रहे हैं. बहुत पहले जब गए थे ना तो बहुत छोटे थे हम लोग, मतलब इतने भी छोटे नहीं थे. हाँ मैं कुछ 15 इयर्स की थी और अब जा रही हूँ तो मैं 22 इयर्स की हूँ. गाड़ी लोगों के पार्क कर रही हम लोग जाने वाले हैं यहाँ. क्या ले रही है? हाँ मैं भी ले लेती हूँ. यहाँ पर जो हम लोग क्रॉस करके अभी ये साइड आए ना, ये मतलब मेरा राइट साइड है, तो यहाँ पर जैसे देखो चलने की ये जो जगह है ना तो ज़रा सही रहता है. अंदर से चलो, अंदर से चलो. ले इसका भी आएगा तो चलेगा, लेकिन ब्लर कर देना. नहीं ब्लर नहीं हो पाएगा. अच्छा अभी आईफोन में मैं आई मूवी यूज करती हूँ तो उसमें कौन ब्लर करेगा. एक्चुअली मुझे ना हाइट से बहुत डर लगता है, पर चढ़ने के बाद नीचे देखने पर मुझे बहुत डर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेते हैं, समटाइम्स हो जाता है. और आज शाम का ना दिलीप का बर्थडे भी है तो उसने भी इन्वाइट किया है. हम लोग मुंबई चाट जाने वाले हैं, एक है उमरा में मुंबई चाट, वहाँ जाने वाले हैं. कौन इग्नोर किया? अच्छा ये आसमा भी व्लॉग बना रही है ना. तो ये देखो यहाँ पर से रास्ता इसका स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर बोर्ड पर देखो उर्दू वगैरह में सब लिखा भी है, देख लिया आप लोगों ने. और यहाँ पर सब ना जो मज़ार है ना ऊपर, वहाँ का नाम लिखा हुआ. तो ये रही स्टेयर्स, यहाँ पर स्टेयर्स बन गई है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी. बाप रे मेरे तो इतने में सांस फूल गई. हाँ ठीक है वेट बढ़ गया, वैसे तो मैं बचपन से बहुत मोटी थी और बीच में 15 साल की थी तब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से हाँ तो मैं जो इतनी डबल थी ना उसकी मैं थोड़ी सी हाफ हो गई हूँ, लेकिन मेरी काटी ऐसी ही है. अब यहाँ पे स्टेयर्स नहीं है, बीच में थोड़ी सी, ये देखो ये इस तरह है, फिर ये बीच का रास्ता छोड़ के फिर थोड़ी सी स्टेयर्स है. अरे मैंने रुमाल भी कहाँ फेंक दी. बहुत घना जंगल है देखो अंदर, जो नहीं सीरियल्स में बताते हैं वो लोग गिर जाते हैं तो ऐसे ही इधर गिरते हैं. मैं एक जगह बैठ गई हूँ अभी, यहाँ पर है, फिर भी है थोड़ी सी स्टेयर्स. ये देखो मैं वो वाले ना पत्थर पे बैठी थी जो अभी इन्होंने उतरे ना बीच वाले. ओह गॉड क्या हाइट है. देखो यहाँ से चढ़ गए हम लोग काफ़ी नीचे से, आ चुके फर्स्ट वाली दरगाह पे. मैं सबसे पहले सर पे दुपट्टा रख लूँ. यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह हम लोग चढ़ गए. हाँ बाप रे, तो यहाँ पे और भी फैमिलीज आई हुई है, वहाँ पर बैठ कर खाना खा रहे हैं. हाँ चलो ऊपर चल के मैं बात करती हूँ आप लोगों से. अब एक तो पहले ब्लशर लगाई हूँ और ऊपर से और पिंक पिंक हो गई मैं. कैमरा की भी आसमान और मैंने परमिशन लिए हैं, पूछ लिए हैं. आप लोग भी ज़्यारत कर सकते हो जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते. मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत सारे हैं तो वो लोग नहीं आ सकते तो यहाँ पर ज़्यारत कर सकते हैं. मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाती हूँ. ये जो जेंट्स है वो अंदर जा सकते हैं, हम लोग तो बाहर से ही देख सकते हैं बस. ये मेरा नाना,
अंदर से जाकर मैं तो अभी जहाँ पर हम लोग खड़े थे ना, मज़ार वगैरह थी वहाँ पर, उसके पीछे साइड ना एक रास्ता निकलता है, एक एरोली की दरिया पड़ती है, आप लोगों को भी आगे देखने मिलेगा। तो ये वहीं पर हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ज़्यादा नहीं उतरेंगे, थोड़ा सा ही उतरेंगे, आप लोग देखना। अभी यहाँ उतरने वैसे ना मुजावर लोग मना करते हैं, यहाँ आदिवासी वगैरह है ना, वो लोग मर्डर वगैरह कर देते पकड़ वगड़ के इसके लिए, तो इसलिए और ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। अपन तो उधर से देखे थे। हाँ वीडियो लेके एक मेरी फोटो शूट करो ना। हाँ हाँ ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक नदी जैसा है, ये कहाँ का समुंदर है पता नहीं है। एरोली। एरोली का है? तो ये लो मेरे छोटे मामू ने बता दिया एरोली का है। हाँ मे बी, ये तो बोल रहा है तो ये बराबर ही बोल रहा रहेगा, लड़कों को ज़्यादातर पता रहता है। ओके गाइस, अभी हम लोग ने फोटो शूट किया, वीडियो शूट किया, स्लोमोज वगैरह लिए और तौसीफ भी सीन्स वगैरह जो वो कैप्चर कर रहा है। तो अभी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब देखते हैं ऊपर चढ़ने का क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन लग रहा है। यू कैन सी वाओ, ये देखो मेरे नाना बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो मेरी नानी भी आज तक कितने चमक चमक है चेहरे पे। ब्लॉगिंग में पहली बार बोल रहे हैं, क्या बात है। ओके तो हम लोग जो एकदम ऊपर वाली दरगाह है ना, वहाँ पर जाने के निकल चुके हैं, लेकिन एक बात बोलूँ, मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने ऊपर तक, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अभी जो मुजावर थे ना, उन्होंने हम लोग को ऐसे अलर्ट किया कि फैमिली के साथ रहो। हाँ हम लोग लड़कियों को देखा तो बोला कि फैमिली के साथ रहो। हाँ तो मेरा तो पेट दुख रहा है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। हाँ एक्चुअली यहाँ पर स्टेयर्स नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एकदम कच्चा रास्ता ही है। देखो ऐसा है, चलो या अल्लाह, बस अल्लाह ताला हम लोग का साथ देना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चढ़ जाए ऊपर तक। उतरने का मैटर नहीं है लेकिन डर लगता है उतरते टाइम। ओ गॉड लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस सीन, OMG। मुझे स्ट्रेट दिख रहा है ना आप लोगों, वो ऐसा मैदान टाइप का है कि मतलब एक हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है। बाप रे, ऊपर से नीचे देखना मुश्किल है, यहाँ पे डाटा कैसे चल रहा। हाँ ये तो मैं बताने ही भूल गया आप लोगों को, पूरा पहाड़। वैसे हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है खड़े रहने की, बट स्टिल अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह ताला है वो हिम्मत दे ही देता है। चलो हौज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद, आमीन। वाओ किस चीज़ का झाड़ है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये फिसल रही है मट्टी, मैं तो स्लीपर टाइप पहनी हूँ, बहुत नॉर्मल स्लीपर। ये चढ़ना है पूरा, ठीक है। आफरीन को हेलीकॉप्टर चाहिए था, मिला नहीं। हाँ ऐसी आवाज़ निकल रही ना मेरी कि मैं क्या बोलूँ। Yeah! एक साइड दो मिनट के लिए ओह माय गॉड। हाँ देखो इधर ही आप लोग को दिख रहा होगा ज़ूम पे, आई थिंक थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बट कोई बात, मतलब यहाँ पर है जानवर वगैरह। ये कैसा एकदम सीधा दिख रहा है, इतने एरिया में है ना बंदर। यहाँ पर भी ऊपर कुछ है, वही है घर वगैरह छोटे मोटे। चलो चलो चलते हो, या अल्लाह ताला बस हम लोगों को ऊपर तक चढ़ा दीजिए, फिर उतार दीजिएगा अच्छे से सही सलामत। वैसे तो सफ़र की दुआ पढ़ ली है मैंने, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हुए। चलो गाइस माय स्वीट फैमिली, मुझे तो दो दो मिनट साइड साइड में बैठ के चढ़ने हो रहा है, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है ये। हुस्ना भी बैठ गई है, आसमा भी ऊपर देखो। ई
बाप रे तौसिफ तो वहाँ जाके भी खड़ा है। तौबा, ए बाबा यहाँ आ जा। कैसे हिम्मत दे देते ना अल्लाह ताला हमें, जिनको सबसे ज़्यादा डर लगता है वो लोग नहीं नहीं बोल के चढ़ी जाते हैं। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना पढ़ूंगी मैं घर जाके सबसे पहले इंशाल्लाह। मेरे पैर कांप रहे नीचे देखकर। सब बोल रहे हैं सांस ले ले फिर बना वीडियो, क्या करूं नेचुरली आप लोगों को बताना चाहिए आई गेस नेचुरल। बाप रे पतले लोगों का तो एकदम राज चल रहा है। और ये भाई बस यही जो आप लोगों को गोनी बिछी हुई दिख रही है ना, ये स्पॉट सही है, यहाँ से भी ऊपर चढ़ के है बस। ओके सो अभी ठीक लग रहा है थोड़ा, लेकिन फिर भी कांपनी तो छूट रही है एकदम, पैर न थर थर काँप रहे ऐसा नीचे इतना बड़ा दुनिया देख के। हाय आसमा, हेलो। देखो सब लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बट मैं जो हूँ एकदम फास्ट छोड़ो छोड़ो में लगी हूँ। हाँ इग्नोर, मैं कितनी पतली मुझे पता है, जीरो फिगर। ओके ओ नाइस, ये एक घर बना के रह जाओ उधर। ये ऊपर का है रास्ता, ये एक फ्लैग यहाँ पर। ओह गॉड तौसीफ, प्लीज बी केयरफुल गाइस। नंबर दिख रहा है यहाँ से देख। या अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। ओ माँ भागो। अच्छा कुत्तों से सावधान, बाद में पढ़ोगी, आप लोगों को दिखा दो उतना ही काफ़ी है। मगरिब के पहले उतर जाना चाहिए यहाँ से, ऐसा लिखा है वहाँ, कुत्तों से सावधान। ये लोग ने वहाँ से मतलब जो मैदान था ना वहाँ पर अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए, मैंने ही नहीं ले पाई बिकॉज़ मैं फ़ोटो गया तेल लगाने, कौन लेगा वो, मेरे पैर कांप रहे ऊँचाई देख के एकदम। इसके लिए मेरा बहुत मन था फ़ोटोज़ निकालने का, वैसे जैसे आसमा ने निकाली है। आसमा कैसा पतली है, बहुत अच्छा निकलता है, उसना भी पतली है बहुत, सब बहुत अच्छा निकला। इसका फ़ोटो मैं क्लिक कर रही थी जब ये एकदम आगे बैठी थी, वो फ़ोटो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी। वो फ़ोटो लेने का टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। नहीं नहीं अल्लाह का समय को बहुत डर लगता है, बहुत डर रही थी मैं। अरे मेरा मेरा पैर कांप रहा था और कुछ नहीं, और मेरा ना एकदम चक्कर आ रही थी मुझे देख के, तो मैं वहाँ पर खड़े कैसे रह पाऊँगी जब। ये देखो यहीं से दिखा देती हूँ, यही मज़ार है ना, बहुत लंबी है यही वाली, हाँ जो वाइट हाउस में है ना। अरे माशाल्लाह फाइनली गाइस, जो आप लोगों को ये रास्ता दिख रहा है ना ये बम्बू के पीछे, वहाँ पर से ना चोटी नज़र आती है, तो लेकिन थोड़ा रिस्की है चोटी तक जाना। अभी जेंट्स वगैरह जो वो यहाँ से चले जाएंगे अपना ज़ियारत के लिए। देखो यहाँ पर ना घर है, यहाँ पर रहते हैं, कितने हैं, 1 2 3, यहाँ से चोटी दिखती है, देख लेती हूँ 2 मिनट फिर नहीं जाऊँगी। पैर में तो चुभ रहे पत्थर, अल्लाह पता नहीं लॉक लगा के रखे हैं यहाँ। फजली मौला ट्रस्ट बराए मेहरबानी जंगल की तरफ आप लोग ना जाएं, वहाँ जाना मना है, दरगाह के पीछे की तरफ जाना मना है। ओके मैंने वहाँ पर फ़ोटोज़ निकाल लिया आसमा मैंने, तो यहाँ पर जो है सेटिस्फेक्शन बहुत मिली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले सब जाके वहाँ पर शुक्राना पड़ेगा घर पर, कि इतना मतलब इतना लंबा सफ़र तय किया हम लोगों ने, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी पर अल्लाह का नाम लेकर चढ़ गए तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी मलंग से बहुत कम है, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो बहुत सुकून मिल रहा है। बस खाली जहाँ पर छाव रहेगी वहाँ सुकून मिलेगा मुझे, यहाँ पर भी बहुत सुकून है। जो भाई साथ में है उन्होंने सलाम वगैरह पढ़े अंदर, हम अभी यहाँ से हम लोग देखो वहाँ जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रही थी ना घर वगैरह है, तो वहाँ पर 4 मज़ार और है, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है।
बैल माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी है ना, ये एज बहुत है इन लोगों की। अभी अनपैक हो रहा है हमारा जो बैग है, पूरा तेल तो आसमा तो वहाँ पे माउंट कर रही है। लुक एट दिस गाइस, आसमा बी केयरफुल। रोटी ले रहा आ जा आसमा। हाँ हाँ रुक ना। सब आ जाएंगे उसमें। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, सो वी आर डन। हम लोग ने खाना वाना खा लिया, बहुत अच्छा सुकून लग रहा है, एकदम एनर्जी आ गई मुझ में तो। अभी उतरने के टाइम पर ना बहुत मतलब डेंजरस दिखता है, ज़्यादा नीचे नहीं देख सकते, सीधा अपना चुपचाप उतरने का रास्ता देख कर ऐसा है। तो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, आप लोग ने इन्जॉय किया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन रखना। और इसके अलावा मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। वो कहते हैं ना, हम चार दिन के लिए परदेश जाते हैं, वो आंखों ही आंखों में अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, बिछड़ के जब आते हैं तो कितना बुरा लगता है। तो देखो क्या कहना है हमारा, जिंदगी भी क्या नूरानिया दिखाएगी, रात को सोते हैं तस्वीर नजर आएगी, मैं तो वे परवाह आँखों से कोई भूल गया, चेहरा तेरा भी हर वक्त नजर आएगी। तो कहना क्या सुनेगा, किसी ने अपना बनाया, किसी ने अपना बनाया, बना के छोड़ दिया है, पहचान गई बाबा कुर्बान गई बाबा, तैबा भी बुला होना, साही से मिला होना, सब झूम के गा होना, ऐ जुल्दे मददगार मदद करने को आओ, ऐ फातिमा जहरा मेरे बाबा को बचाओ। रोती हुई सकीना जो पहुंची भी करबला में, रोती हुई सकीना जो पहुंची भी करबला में, कहने लगी जहरा मेरे बाबा से मिला हो, ऐ फातिमा जहरा मेरे बाबा को बचाओ। ऐ जुल्दे मददगार मदद करने को आओ, ऐ फातिमा जहरा मेरे बाबा को बचाओ। उतर है हम लोग सब, अभी अजान भी स्टार्ट हो गई है। या अल्लाह बस सही सलामत उतर जाए सब अच्छे से।